ग्रेटर नोएडा का बिसरख थाना क्षेत्र उस समय गोलियों की आवाज से गूंज उठा जब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल बिसरख थाना पुलिस ने इनपुट के आधार पर एसीटी के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो अभियुक्तों को रोका तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक 25,000 का इनामी बदमाश अजीत घायल हो गया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर इसका एक साथी विशाल फरार हो गया। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग जारी है। वहीं पुलिस ने एक बाइक, एक अदद पिस्टल सहित कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि अजीत के ऊपर एक दर्जन से ज्यादा लूट, हत्या व डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की माने तो अजीत इनामी बदमाश मूल रूप से कासगंज का निवासी है, जिस पर मेरठ से 25,000 का इनाम घोषित है। अजीत पर एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस फरार अभियुक्त मूल रूप से दिल्ली निवासी विशाल की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने एक बाइक, एक देसी पिस्टल व कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।